ओके गाइस, तो सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता यार, जो बेल का आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा फ्यूचर का वीडियो मिलते रहे। सो गाइस, आज हम देखेंगे कि आप बिना कोई एप्स का आप ट्रांसलेटर कैसे आपका इनबिल्ट मोबाइल में यूज कर सकते हो। सो एनी फर्दर ड्यूज, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो ये ट्रांसलेटर का जो भी एप्लीकेशन है उसको आपको पर्टिकुलर होके डाउनलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका मोबाइल में इनबिल्ट होता है। जो नया अपडेट आया है गूगल कीबोर्ड का, वहाँ से आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप पर्टिकुलर ऐप्स थ्रू जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप मैसेंजर में कोई चैट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आप वहाँ से ही गूगल कीबोर्ड से सब कुछ कर सकते हो जो आपको पर्टिकुलर 5-6 एप्लीकेशन के बाद मिल सकता है। सिर्फ इसे आपको गूगल का ये सिंबल क्लिक करना है और वहाँ आपको जो भी टाइप कर सकते हो, जैसे कि कुछ भी जो न्यूज़ है उसे टाइप करते ही आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। उसे क्लिक करते ही वो सामने वाले को वो रिजल्ट सेंड हो जाएगा। सामने वाला जस्ट उसको वन टैप करना है और उसको पूरा न्यूज़ जो भी है आपने सेंड किया वो उसे मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ऑलरेडी न्यूयॉर्क का जो सनलाइट है आज जाने वाला है उसके हिसाब से मैंने सर्च किया था, तो जो भी सनसेट टाइमिंग है वो उसे दिखाएगा। यहाँ आप पर्टिकुलर हो के अलग जो मैंने सर्च किया वही करने का ज़रूरत नहीं है। आप पर्टिकुलर कुछ भी सर्च कर सकते हो, जो भी आपका दिमाग में या जो भी सामने वाला, हाँ उसका बर्थडे, आप बर्थडे का गिफ्ट सेंड कर सकते हो, कुछ भी आप सेंड कर सकते हो। वैसे इस साइड में है ट्रांसलेटर, तो वहाँ क्लिक करते आपको इसमें कौन सा भी लैंग्वेज का ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने इंग्लिश में लिखा वेर आर यू ब्रो, तो आपको ऊपर दिखेगा कि आप हिंदी में भी उसका आ रहा है, तो आप ये ट्रांसलेटर को किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो। आपको या मराठी या हिंदी आपका अच्छी है तो आप हिंदी में टाइप करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, या किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी इंग्लिश में यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज पर्टिकुलर लैंग्वेज तो नहीं मिल रहा है। चलो अरबिक की देख लेते हैं कैसे होता है, तो ये अरबिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ये सब इनबिल्ड होता है। अगर आपको थीम कस्टमाइज़ करना है तो भी आप यहाँ कर सकते हो। मेरा तो मैं प्रेफर ब्लैक को ही करता हूँ, तो अगर वाइट आपने किया तो आपका पूरा कीबोर्ड वाइट में आ जाएगा। अगर आपको सेम कोई कस्टम, जैसे कि आपका पिक खुद का रखना है कीबोर्ड में, तो भी आप रख सकते हो यहाँ पे जाके। तो मैं तो ब्लैक प्रेफर कर रहा हूँ, तो ब्लैक ही रखूँगा। तो आप यहाँ स्मूथली जो अपना कीबोर्ड है वो देख सकते हो। या आपको कोई आदत है कि राइट हैंड से ही सब टाइप करना, तो भी आप यहाँ से कर सकते हो या लेफ्ट हैंड से, तो इसका भी ये सिस्टम यहाँ दिया हुआ है। वैसे ही सेटिंग में आपको जो भी है, जैसे कि प्रेफरेंस थीम जो भी आपका है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, या कीबोर्ड में जो स्माइली का बटन्स है वो अगर आपको सेट करना है तो भी आप कर सकते हो। या आपको वॉइस रिकॉग्नाइज के वजह से ही आपको टाइप करना है, जैसे कि आपको सिर्फ वॉइस रिकॉग्नाइज टाइप करते ही आपको जो भी बोलना है वो आप बोल सकते हो, तो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। सो जो आप 5-6 ऐप्स को इंस्टॉल करके जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, वो आपको एक ही ऐप जो इनबिल्ड ऐप है इसमें मिल रहा है। सो बस इतना ही। सो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई भी डाउट या क्यूरीज हुआ तो कमेंट कीजिए। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।